हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और गाइस, मैं भी अच्छी हूँ। अभी काफ़ी दिनों से मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग भी मिस कर रहे होंगे ज़रूर। तो गाइस, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी कुछ दिनों से, बहुत ज़्यादा कोल्ड और कफ हो गया था। अभी लास्ट मंथ ही हुआ था इतना ज़्यादा वाला, वो ठीक हुआ, अभी इस मंथ फिर हो गया। सच में इतना परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। और कोल्ड कफ में तो आपको पता है ठीक से बोला भी नहीं जाता, तो मेरा बिल्कुल भी ना तो कैमरा फेस करने का मन कर रहा था, ना व्लॉग शूट करने का मन कर रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस ये लग रहा है कोल्ड ठीक हो जाए। अभी भी ठीक नहीं है प्रॉपर तरीके से, अभी भी है हल्का हल्का। काफ़ी मतलब ठंडा पानी, ठंडी चीज़ें तो मैं बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ, एसी भी कम से कम यूज़ कर रहे हैं, बट फिर भी प्रॉब्लम हो रही। आज गाइस करवा चौथ भी है, तो सभी को हैप्पी करवा चौथ मेरी तरफ से। और आज तो सारी न्यूली मैरिड्स और जो भी हमारी मम्मी भाभी दीदियाँ हैं सब इतना अच्छे से रेडी होंगे, कितना मज़ा आता है आज के दिन सबको देखने में। बट मेरे को यहाँ फार्मेसी आना पड़ा क्योंकि मैं छुट्टी भी नहीं कर सकती आज, क्योंकि जो साथ में स्टाफ है उसको भी जाना पड़ता है घर जल्दी। और गाइस, आज मम्मी की भाभी की दोनों की ही इतनी तबीयत ख़राब हो गई है, दोनों ही कुछ अभी तक तो कुछ भी नहीं करा था उन्होंने, रेडी भी नहीं हुई थी, तो मैंने घर से व्लॉग भी स्टार्ट नहीं करा क्योंकि दोनों की तबीयत ख़राब हो रही थी। कोई नहीं गाइज, शाम को तो वो रेडी होंगे ही, कहानी वगैरह सुनेंगे, फिर शाम को फास्ट खुलेगा, चंदा देखेंगे, तो शाम को दिखाती हूँ मैं आपको घर जाके क्या रहता है क्या नहीं है। अभी तो फ़िलहाल रात को मैंने 1-1.5 बजे तक जग के देखो मेहंदी लगाई थी मम्मी के भाभी के, घर भी मैं जल्दी चली गई थी हाफ डे में, तो भाभी के मेहंदी लगाई थी हाथों में पैरों में, मैंने दिखाया भी था आपको। मैंने कल ब्लॉग शूट नहीं किया था प्रॉपर, बट मैंने कल कुछ क्लिप्स करी थी शूट, तो वो भी मैं आगे ऐड कर दूँगी कल की क्लिप्स, वो देखना। मैंने कल मेहंदी लगाई थी भाभी के मम्मी के रात को 1:30 बजे तक लगाई है। बहुत मेहनत वाला काम है सच में मम्मियों के मेहंदी लगाना, क्योंकि मम्मी ना सो जाती हैं रात, एक तो रात भी इतनी हो गई थी और पूरा दिन मम्मी थक भी जाती है, और फिर रात को मम्मी को इतनी नींद आती है। इतनी मुश्किल से मैंने मम्मी के मेहंदी लगाई, बस गाइस क्या ही बताऊँ। हमारे घर को तो गाइस पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, मतलब हर कोई भी फेस्टिवल हो सब पे किसी ना किसी की तबीयत ख़राब हो रही है। मतलब 1-1.5 महीने से तो घर में कोई ठीक ही नहीं है, कभी बच्चों की, कभी किसी की, कभी किसी की। काना के भी 2 दिन से इतना तेज फीवर हो रहा है फिर से, फिर वो भी इतना परेशान है 2 दिन से, ठीक से सो नहीं रहा, खा पी नहीं रहा, मतलब दूध वूध भी नहीं पी रहा। और भाभी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई, पापा का भी ऐसे चल रहा है, सब ऐसी, मेरा भी ऐसी है। मैं भी अभी जाके थोड़ा ठीक हुई हूँ सच में गाइज, मतलब बता नहीं सकती घर में क्या ही हो गया, समझ नहीं आ रहा। ना तो कोई फेस्टिवल ठीक से सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, ना कुछ, सब यूं ही जा रहा है सब। गाइज, करवा चौथ की तैयारी चल रही है, देखो अभी मेहंदी लगाई है भाभी के दोनों हाथों में। आज मैं जल्दी आ गई थी फार्मेसी से भी, तो बस मेहंदी में ही लगी हुई हूँ जब से, जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। नाक ख़राब हो गई अभी तो गाइज, मम्मी के भी लगानी है मेहंदी, भाभी के बस ख़त्म होने वाली है, एक पैर में रह गई है, उसके बाद फिर मम्मी के लगाऊंगी, मम्मी फ्री हो जाए खाना वाना बना के। अभी तो मम्मी काना को संभाल रही है, फिर खाना बनाएंगे, खाना खा के फिर फ्री हो के फिर मम्मी के लगाएंगे। हाँ, रुद्राया घूम रहा है, कहाँ गया था आज रुद्रा? वो तो कहाँ गई थी? टीका किसने लगाया था? जय जय गए थे स्कूटी पे गुरुजी से, बाबा के साथ प्रसाद लाए, पापा भी गए थे प्रसाद लाए, खा लिया। क्या क्या लाए प्रसाद में? टीके के बीच में वो भी लगवा लेते रेड वाली, लगवाया था वो बहुत लाइट था, हटिया अच्छा लग रहा है। काना के फीवर हो गया, रात भर रोया है बेचारा, अभी भी ऐसे ही हो रहा है। काना नीचे मजा आ रहा,
ज़्यादा ही इतनी दूर तक घर पे आ गई थी गाइस। अभी जस्ट आई हूँ घर पे। अब चंदा निकल गया, मम्मी तो देखिए चंदा जल वल चढ़ा के आते हैं, जो करते हैं हो गया। भाभी जाएंगी अभी। मामा टाइम से निकल गए, नहीं तो निकलते नहीं यार। बार लेट, पिछली बार बहुत लेट निकले थे ना। गए जगह जगह पटाखे फूट रहे हैं। पिछली बार मौसम शायद वैसा था तो फोटोशूट चल रहा है। हम तो गए कपड़े चेंज कर लिए, पटाखे पटाखे फूट रहे आज तो। आज सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेडीज सच के खड़े होंगे, दिख नहीं रही कोई भी छतों पे। गाइस फास्ट खुल गया मम्मी और भाभी का, मतलब मेरा नहीं, मैंने भी खाना खा लिया, सबने खाना खा लिया। तो गाइज आज के इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।